नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपके लिए आते हैं स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी जानकारी को, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा गठित की गई एक टीम जो कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत पैदल सैनिकों के लिए 17,000 बंदूकों की खरीद के लिए 3 देशों का दौरा कर रही है और ये टीम कुछ ही दिनों पहले रवाना हुई है और ये टीम पहली बार बुल्गारिया का दौरा कर रही है, जहां एडिशनल जो कि बंदूक और गोला बारूदों को बनाती है उनके प्रतिनिधियों के साथ ये मुलाकात करेगी। इसके बाद इजराइल वेपन इंडस्ट्री के साथ भी ये मुलाकात करेगी और सबसे लास्ट में SNT मोटिव जो कि दक्षिण कोरिया की है उसके साथ ये टीम बात करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि सेना के अनुरोध पर 16,400 LMG की खरीद के लिए फास्ट ट्रैक के तहत बोली लगाई गई थी। दोस्तों इस बोली के आधार पर ही इन 3 देशों ने इस निमंत्रण को एक्सेप्ट किया है। साथ ही दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि US आधारित सिक्सायर ने भी अपनी बोली को प्रस्तुत किया था और सेना के नेतृत्व वाली ये टीम यहां भी जाने वाली थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने बाद में ये कहकर मना कर दिया कि अभी उनके पास ऑलरेडी भारत के लिए 72,000 असॉल्ट राइफल्स के लिए ऑर्डर है और अभी इन नई LMG को बनाया जाना यानी कि उनकी उत्पादन क्षमता उनके पास नहीं है। दोस्तों सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारत इन नई LMG को 7.62x51mm कैलिबर के साथ खरीद रहा है जो कि इंसास LMG को रिप्लेस करेंगी। दोस्तों हाई कैलिबर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसकी मारक क्षमता भी काफी अच्छी है और उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होगी। बस अब इन 3 देशों के दौरा होने के बाद फाइनल डिसीजन निकाला जाएगा कि किस देश से इन बंदूकों को जो कि LMGs हैं उनको खरीदा जाएगा। ये तो दोस्तों आने वाला समय बताएगा। दोस्तों कुछ अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय नौसेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और म्यांमार की नौसेनाएं मिलकर अंडमान और निकोबार में एक साझा निगरानी कर रही है और एक दूसरे के साथ तालमेल को आयोजित करिए। साझा निगरानी का कार्यक्रम 20 मई से शुरू हुआ जो कि 28 मई तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस साझा गश्ती के लिए म्यांमार की सेना के युद्धपोत अंडमान एंड निकोबार कमान के पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पहुंचे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों नौसेनाओं के बीच लगातार ये 8वां साल है जो कि इंडो म्यांमार ऑर्डिनेंट पेट्रोल जिसे कि IMCOR कहा जाता है, जो कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, गैर कानूनी मछली पकड़ने वाले और मानव तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। ये साझा अभ्यास साल 2013 से चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है जिसमें कि म्यांमार और भारत की सेनाएं एक इस तरीके का अभ्यास कर रही हैं जो कि खास करके मानव तस्करी और किसी भी तरीके की जो वहाँ पे पायरेसी होती है उसको रोकने के लिए ये अभ्यास कर रही है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि दोस्तों समुद्र के रास्ते मानव तस्करी और कई तरीके की पायरेसीज होती हैं जिनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और ऐसे में ये जो नेवी का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत का MI-17 जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे थे। ये बात उस समय की है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने काउंटर करने के लिए भारतीय सीमा पर अपने जहाजों को भेजा था, लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो हुई कि MI-17 हेलीकॉप्टर है वो खुद की गलती से गिरा है। दोस्तों जांच से पता चला है कि MI-17 हेलीकॉप्टर की दुश्मन और दोस्त को पहचानने वाली प्रणाली उस वक्त काम नहीं कर रही थी, जिससे अपनी मिसाइल यूनिट ने उसे दुश्मन का हेलीकॉप्टर समझकर उस पर जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल चला दी। गिराया गया हेलीकॉप्टर MI-17V वायुसेना के श्रीनगर स्थित 154 हेलीकॉप्टर यूनिट का था। यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के 10 मिनट के अंदर ही मार गिराया गया। हालांकि बडगांव से 100 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के विमानों के बीच आसमानी लड़ाई चल रही थी। दोस्तों सूत्रों का मानना है कि भारतीय हेलीकॉप्टर पर हमला यह समझकर किया गया था कि दुश्मन का पायलट रहित ड्रोन विमान हो सकता है। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि इस गलती के लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के लिए इजरायली रडार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों इस दुर्घटना में हमारे 6 जवान शहीद हो गए। दोस्तों गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन इसमें जवानों को ही हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी उस वक्त दोषी अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इसरो को लेकर। दोस्तों कल यानी कि 22 मई को इसरो श्रीहरिकोटा से PSLV-C46 के जरिए राइसेट को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इस मौके पर इसरो के चेयरमैन के सिवान ने
तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। साथ ही KC1 ने PSLV C46 का मॉडल लिया और मिशन की सफलता के लिए तिरुमला मंदिर के अधिकारियों के साथ विशेष पूजा की। दोस्तों आपको बता दें कि 22 मई को PSLV C46 द्वारा रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि RISAT-2B को लॉन्च करना है। दोस्तों RISAT-2B बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसरो के लिए और इसरो किसी भी हाल में नहीं चाहता कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की रुकावट आए और कल सुबह यानी कि 22 तारीख को इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना है और ऐसे में इसरो की इस पे पूरी मेहनत लगी हुई है और हम कामना करते हैं कि इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल हो ताकि भारत के लिए एक नई उपलब्धि हासिल हो सके। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इन चुनावों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना पैसा इकट्ठा किया है कि इससे भारतीय वायुसेना के 830 MKI विमानों की जरूरत पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही कहने में एक अजीब सा भी लग रहा है कि आखिर इतने पैसे जो कि हमारे नेता दबा के बैठते हैं और उनका मिसयूज करते हैं उस पैसे का इस्तेमाल से 830 MKI आ सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इलेक्शन कमीशन ने इतना पैसा जब्त भी किया। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक 3,450 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा कर ली है जबकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना HAL से 830 MKI खरीदेगी और इनकी कीमत करीबन 3,000 करोड़ रुपए हो सकती है। लेकिन जो राशि प्राप्त हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो हुई है करीबन 3,450 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों इतनी बड़ी राशि जो चुनाव आयोग ने बरामद की है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत की सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है कि इस तरीके से अगर जो नेता लोग हैं जो पैसे को दबा देते हैं और उनका अननेसेसरी यूज़ कर सकते हैं जब इलेक्शन में, तो देश की सुरक्षा के लिए अगर उन पैसे का इस्तेमाल किया जाए तो शायद कितनी बड़ी बात हो सकती है, हमारी सुरक्षा जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। दोस्तों ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना पैसा, शायद पहले इससे पहले भी काफ़ी पैसा बरामद किया जाता रहा होगा लेकिन जो ये डेटा हमारे सामने आया वो बहुत बड़ी बात कहता है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो बरामद हुआ है पैसा इसके बारे में और जो नेताओं की जो इंटेंशन है हमारे देश के प्रति उस बारे में आप अपनी क्या राय लगते हैं यानी कि क्या आप सोचते हैं वो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं ताकि दोस्तों पता चल सके कि आप लोगों के विचार भी क्या है इस तरीके की करप्शन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों को पाकिस्तानी स्पाइनरों द्वारा लगातार धमकी दी जाती है और इस वजह से हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं। दोस्तों भारत अब नई असॉल्ट राइफल्स लगभग 12,000 टेलीस्कोपिक साइट के साथ खरीदने के प्रस्ताव को एक उच्च स्तरीय समिति जल्द ही मंजूरी दे सकती है। ये टेलीस्कोपिक साइट नई पीढ़ी की 6 सेवर एसॉल्ट राइफलें हैं जो कि भारत चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान जिहादियों को स्नाइपर राइफल में ही प्रशिक्षण दे रहा है, इसलिए भारत को नई राइफल जो कि टेलीस्कोपिक साइट के साथ होगी वो पाकिस्तान के स्नाइपरों को काउंटर करने के लिए काफी सक्षम होगी। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टेक महिंद्रा को लेकर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि टेक महिंद्रा ने आज भारतीय नौसेना के साथ करीबन 300 करोड़ रुपए से अधिक के अपने सबसे बड़े रक्षा ऑर्डर की घोषणा की है। आर्म फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड यानी कि AFSAS प्रोजेक्ट का हिस्से के रूप में टेक महिंद्रा सभी नौसैनिक अड्डों और जहाजों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाएगी जिसे कि RFID कहा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि AFSAS कार्ड पूर्व नौसैनिकों सहित सभी नौसैनिक कर्मियों के लिए मौजूदा कागज आधारित पहचान पत्र की जगह लेगा। CMMI यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन स्तर 5 प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए टेक महिंद्रा डेटा सेंटर के माध्यम से एक्सेस कंट्रोल डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस और SAC कार्ड प्रबंधन करने के लिए सुरक्षित एप्लीकेशन को विकसित करेगा। अगले 2 सालों में इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान को लेकर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने राजनयिक मोइन उल हक को भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि भारत से द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, यही वजह है कि वे मोइन उल हक को भारत भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो एक बेहतर काम करेंगे। इससे पहले मोइन उल हक फ्रांस में पाकिस्तान के राजदूत थे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अब मानसून का सीजन आने वाला है और ऐसे में बारिश बहुत जमकर होती है और ऐसे में खासकर कि चीन की तरफ से जो नदी आती है यानी कि तिब्बत से जो नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, उस पर जो डेटा निकलता है यानी कि जो डेटा है वो अब चीन भारत के साथ शेयर करने वाला है और इस डेटा से काफ़ी फायदा होगा क्योंकि ये जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम को जाती है और आसाम से फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ऐसे में जो डेटा शेयर करना होता है बहुत
इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले पता चल जाता है कि कितना क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा जाएगा और किस हिसाब से मैनेज किया जाएगा भारत के द्वारा उस पानी का, ताकि समय पर वहां पर जान माल की हानि को बचाया जा सके। तो दोस्तों ये है अभी तक के डिफेंस अपडेट्स। दोस्तों आपका अगर वीडियो के संबंध में कोई जानकारी है या आपकी कोई राय है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।